आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन ने अगले 1.5 साल में जैसे जैसे गति पकड़ी, देश भर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। जनवरी 1922 में गोरखपुर कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी ने किसानों से विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरने का नेतृत्व करने का आग्रह किया। पुलिस ने विदेशी कपड़ों का व्यापार का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। 4 फरवरी को चौरी चौरा कस्बे में लोग जमा हो गए और चौरी चौरा थाने के नजदीक मुंडेरा बाजार में धरना देने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर हमला बोला। भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और पुलिस की काफी संपत्ति नष्ट हो गई। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया, जिसे अंततः 12 फरवरी 1922 को रोक दिया गया। चौरी चौरा घटना के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाया। उनमें से 6 की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 8 महीने के लंबे मुकदमे के बाद 172 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले पर गंभीर प्रतिक्रिया हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को संशोधित किया और 19 को मौत की सजा, 110 को आजीवन कारावास और शेष को लंबे कारावास की सजा सुनाई। इन शहीदों के सम्मान में इस स्थल पर आज शहीद स्मारक खड़ा है। देश के इन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। आज हम राष्ट्रवादी नेता M.A. अयंगर को भी याद करते हैं। इनका पूरा नाम मदभूषी अनंत सायानाम अयंगर था। इनका जन्म 4 फरवरी 1891 को आध्यात्मिक शहर तिरुपति के पास तिरुचनूर में हुआ था। अयंगर बहुत छोटी आयु में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे अपने गृह राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तियों में से थे। गांधी जी के असहयोग के आह्वान पर अयंगर ने 1921-22 के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। 1940 और 1944 के बीच अयंगर को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह अभियान और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए लगभग 3 साल की कैद हुई थी। जब जीवी मावलंकर को विधायी कार्यों के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो अयंगर को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। 1952 में जब पहली लोकसभा का गठन किया गया, तो अयंगर उपाध्यक्ष पद के लिए सबकी पसंद थे। जीवी मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद अयंगर को 8 मार्च 1956 को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान अयंगर ने स्वयं को संसदीय जीवन में उच्च परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी साबित किया। इस प्रकार अयंगर दूसरी और तीसरी लोकसभा में भी सर्वसम्मत से सदन के अध्यक्ष बने। 1962 में उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा करने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अयंगर शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने संस्कृत और भारतीय संस्कृति के अध्ययन और प्रचार में बहुत रुचि ली। 19 मार्च 1978 को अंतिम सांस ली। इस महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है।